उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े ऐसे तमाम किस्से सामने आते हैं जो काफी हैरान करने वाले होते हैं और खाकी वर्दी को शर्मसार भी करते हैं। लेकिन कोरोना काल में अपनी ड्यूटी को निभाते हुए शहीद हुए इंस्पेक्टर अजय सिंह ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर अजय सिंह कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ये जानकारी सामने आई कि उनके खाते में महज 200 रुपए ही शेष बचे थे और कुछ माह पूर्व भी अपने पीएफ पर लोन भी ले चुके थे। उनकी मौत से पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दौरान उनकी ईमानदारी को देखते हुए बसपा विधायक उमाशंकर सिंह मृतक परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने परिजनों की आर्थिक मदद करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इतना ही नहीं, विधायक ने मृतक इंस्पेक्टर के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी बात कही। इनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में थी स्वर्गीय श्री अजय सिंह जी की, और जब इनकी कोरोना से मौत हुई तो जब इनके बारे में तमाम आपके चैनलों से और मीडिया जगत से और यहाँ इनके जनपद से जब इनके बारे में लोग बताने लगे तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज भी अभी इस पृथ्वी पे ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब पूजा होनी चाहिए, जिनके अकाउंट में 150 या 200 रुपया बचा था। कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने उससे अपने सर्विस में जो इन लोगों को जो पीएफ वगैरह करता है उसका भी लोन ले लिए थे। अब समझ लीजिए अब इनकी मतलब कैसे ईमानदार अभी भी ऐसे ईमानदार अफसर मतलब इस भारतवर्ष में हैं। और ये तभी से यह मन में एक जिज्ञासा आई इस पे, क्योंकि माननीय बहन सुश्री मायावती जी ने भी कहा कि नहीं, ऐसे लोगों की मदद करने से कम ये होगा कि जो अभी भी इस समाज में जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि चलिए कम से कम हम लोग मैंने अगर ईमानदारी से काम करें तो हमारे न रहने पे भी हमारे बच्चों की परवरिश के लिए, हमारे बच्चों की देखभाल के लिए समाज आगे आएगा। उसी कड़ी में मैं आज आया था और आकर के अभी मैं आप देखे होंगे उनका छोटा बच्चा जो अभी 10th में है और उससे मैंने कहा मिला, मैंने पूछा कि बेटा और कौन है, तो बताया कि हमारी छोटी सिस्टर है जो 4th क्लास में है। कितनी कच्ची गृहस्थी है। मैंने उस लड़के को हम ये हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं हम लोग, हम उसे आश्वासन दिए कि बेटा देखो जो तुम्हारे मन में सपना था और जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जो सोचे थे कि तुम्हें पढ़ा के क्या बनाएंगे, अभी अपने उस सपने को आप अधूरा मत छोड़ना। अब ये मत सोचना कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, हम लोग तो आज आए हैं एक छोटी सी ऐसे मतलब अपना दुख प्रकट करने, आपके दुख को बांटने आए हैं, एक 2 लाख रुपये का चेक लेके आए हैं अपने तरफ से, लेकिन तुम अपनी पूरी पढ़ाई को अनवरत जारी रखो और जितना तक पढ़ना चाहते हो जो पढ़ना चाहते हो तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी जो भी तुम मन में सपना सोचे होंगे, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं लेकिन हम लोग खड़े होकर के तुम्हारी उस पिताजी की कमी को हम लोग महसूस नहीं होने देंगे। ये आप हमारा नंबर ले लो, कभी भी बताना, आप पढ़ो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ो, उसको हम विश्वास दिलाए हैं। वहीं विधायक ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस परिवार की मदद के लिए निवेदन करेंगे और अपनी तरफ से हर संभव मदद भी करेंगे। और अभी मैंने ये भी आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से यानी सरकार से भी इस बात को अगर असेंबली चलती है तो असेंबली के माध्यम से हम आवाज़ उठाएंगे, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी हम आग्रह करेंगे इस परिवार के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिवार के लिए आर्थिक सहायता जो है दें, ताकि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो ऐसे ईमानदार अफसर हैं उनका मनोबल बढ़े। और मैं विश्वास दिलाया हूं कि मैं चल के इन सभी लोग इस परिवार के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि इनकी एक आर्थिक सहायता जरूर करें। बता दें कि मूल रूप से चंदौली जिले के सदर तहसील के भड़कुड़ा गांव निवासी अजय सिंह हैं, जो कि यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर तक के पद पर तैनात थे, जिनकी पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, उनके खाते में महज कुछ 100 रुपए ही बचे थे। इस भ्रष्टाचार के युग में भी ऐसे ईमानदार और कर्मठ पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, जो गर्व की बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।